बंगाल के दमदम में झोपड़ियों में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद, लोगों में मची अफरा तफरी। इंदिरापुरम में झुग्गियों में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बिजली की चिंगारी से गेहूं की फसल जलकर हुई राख, पीड़ित किसान ने मुआवजे के लिए सौंपा ज्ञापन। यूपी के महोबा में किराना की दुकान में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, आग किस वजह से लगी इसके कारण अभी तक साफ नहीं। बेंगलुरु ब्लास्ट का विदेशी कनेक्शन आया सामने, सूत्रों के हवाले से खबर, विदेशी हैंडलर से मिले निर्देश, अल हिंद मॉड्यूल से जुड़ा था अब्दुल। बेंगलुरु ब्लास्ट के दो आरोपियों को स्पेशल एनआईए कोर्ट में किया गया पेश, कोर्ट ने दोनों को 10 दिनों के एनआईए हिरासत में भेजा, आरोपियों को धमाके वाली जगह पर ले जाकर के पूछताछ करेगी एनआईए। एनआईए के हाथ लगा आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज, कोलकाता की लॉन्च में चेक इन करते वक्त नजर आए, 13 मार्च का बताया जा रहा ये फुटेज। महादेव बुक बैटिंग ऐप के मामले से जुड़ी बड़ी खबर, एक्टर साहिल खान से होगी पूछताछ, मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम करेगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, किश्तवाड़ में 12 से ज्यादा आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों और सहयोगियों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा आतंकवाद नक्सलवाद कांग्रेस की दें, जातिवाद की समस्या कांग्रेस की दें। आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में माफियाओं पर गरजे सीएम योगी, कहा बीजेपी सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है, आज माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का इंडी गठबंधन पर हमला, का इंडी गठबंधन के नेता में नियत नेतृत्व विचार संकल्प नहीं और अब घोषणा पत्र भी एक नहीं, ना इनकी सोच एक है, ना इनका नेता एक है, ना इनकी नियत एक है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य है, टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। यूपी के महोबा में आदर्श आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, जमघट लगाकर हुआ कार्यक्रम, बार बालाओं के डांस वीडियो वायरल हुए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में खड़े ट्रक से अनियंत्रित कार टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक युवक घायल। बदायूं में कार ने टेम्पो में टक्कर मारी, हादसे में एक व्यक्ति एक महिला की मौत हुई, 8 लोग घायल हुए, कार चालक हुआ फरार, पुलिस तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद, दुकान में घुसकर काउंटर पर रखा फोन लेकर के गायब हुए, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। यूपी के झांसी में एक महिला के साथ हुई मारपीट, मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को बचाया, मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के दरभंगा में लूटकांड का मामला आया सामने, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूट के 2 लाख रुपए भी किए गए बरामद। सिडनी में हुई चाकूबाजी की घटना पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने संवेदना व्यक्त की, कहा हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। सिडनी के शॉपिंग सेंटर में चाकूबाजी की घटना हुई है, हमले में 5 लोगों की मौत की पुष्टि, 4 लोग घायल। और चाकूबाजी की घटना से मचा हड़कंप, लोगों में भगदड़ मची, शॉपिंग सेंटर के आसपास लोगों की भारी भीड़ दिखी। चलिए अब बात करते हैं चलेगी या नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सियासी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन चुनाव में किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी ये जनता ही बता पाएगी। इससे जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए।
वोटर्स के मन की बात आखिर क्या कुछ है, ये हम जानने के लिए इस वक्त अलीगढ़ में पहुंचे हुए हैं और अलीगढ़ में यहाँ के वोटरों का मूड क्या है ये हम परखेंगे और जानेंगे। और आखिर इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में अलीगढ़ की बाजी कौन मारेगा ये जानने के लिए हम एक वोटर से बातचीत करेंगे और उनका मिजाज समझ कर ये परखने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है, अलीगढ़ की जनता किसे अपना सांसद चुनने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ के रहने वाले तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दादा क्या मूड है इस बार कहे को चुनाव में, क्या मूड है, किसके तरफ आपको लग रही हवा चल रही है? बीजेपी की और कहे। अच्छा बीजेपी की, बीजेपी एक बार फिर से यहाँ से जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। अब बीजेपी कह रही है कि देश भर में 400 पार इस बार ले जाएंगे, लगता है आपको पूरा होगा? पूरा होगा। अच्छा कांग्रेस और बाकी समाजवादी पार्टी वो तो सब देखते रह जाएंगे। काम हम किया है बीजेपी ने कि नहीं अलीगढ़ में? ये काम कर रही है अलीगढ़ में, कर चुना रही। अच्छा खेती किसानी की क्या स्थिति है? खेती में तो डाउन कर दो, लाया मत दो, कर दो बहुत, कोई पूछना है रोकाओ किसान में, बाकी ना कर रही। शिकायतें हैं कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों? शिकायत आते हैं। तो शिकायतें क्या लगता है काम आएंगी या फिर इस बार बीजेपी जीतेगी? काम तो आनी चाहिए, जा बात तो कह रहे हैं कि काम है हमें, देखो क्या होता है अब की बार। क्या लग रहा है, क्या मूड है इस बार आप लोगों का? देखो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, जैसे कि बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, मोदी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और देखो डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया है, ट्रांसपोर्ट नगर भी बनाया है, और देखो गौशाला भी जगह जगह खुली है, एक गाय ना दिखे तुम्हें आते माता कहूँ, देख लो कोई गाय बछड़ा को दिख जाए। अच्छा आवारा पशुओं वाली जो समस्याएं थी वो थोड़ा खत्म हुई है इस बार? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा खत्म है, एक बछड़ा नहीं है कहूँ, बिल्कुल सब बढ़िया खेत है सर। अच्छा काम वाम किया बीजेपी ने? भैया काम वाम तो देखो जो सरकार होगी वो काम करेगी, क्यों जनता चुन के दे दिया, अगर नहीं काम करेगी तो गेट से बाहर है। अगर मैं भी इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार देखो ऐसा है ना, अब क्या कह सकते हैं, हालांकि देखो बीजेपी सरकार है वो तो बीजेपी आनी ही है, चाहे मैं हाँ करूँ या ना करूँ, इसमें कोई दोरा नहीं। अच्छा काम वाम किया था कि नहीं किया? काम तो भैया गाँव में जाके देखो जब पता चलता है, यहाँ बताने से क्या है। आप बताइए ना, आप गाँव में रहते हैं, गाँव के रहने वाले। विकास तो भैया मोदी की सरकार में खूब हो ही रहा है, परेशानी कुछ नहीं है। मतलब रिपीट आपको लग रहा है होगी? रिपीट। अच्छा वोट उन्हीं को है, क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या मूड है आप लोगों का? कहा बोलना, बीजेपी कांग्रेस या फिर कोई और? बीजेपी। अच्छा बीजेपी, काम वाम हुआ है? हाँ जी खूब काम हुआ है। अच्छा आपके गांवों में काम वाम हुआ है? खूब हुआ है। संतुष्ट है सरकार से? सरकार से संतुष्ट है। सरकार से संतुष्टि को लेकर एक और मोहर लगी है, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। दादा क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? बच्चों के लिए कर रही है, शिक्षा को लेकर आपको लगता है बढ़िया है काम? संतुष्ट है आप सरकार से? तो देखिए ये अभी दो लोग हमें मिले हैं, अभी वोटर नहीं है, लेकिन सरकार का काम जो है शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उससे थोड़ा सा संतुष्ट नजर आए हैं, लेकिन आगे और क्या यहाँ पर वोटरों की राय है वो हम चलिए जानते हैं। दादा क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? क्या बताऊं साहब, हमें तो कोई आराम दिख ना रोजी, तुम्हें सब बताऊं या चुनाव? कोई आराम नहीं दिख रहा। काम हम किया है सरकार ने? हाँ परेशानी है बहुत आदमी के।